जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन की सीरीज में मैं बात करने वाली हूं मकर राशि के लोगों के लिए इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, मकर राशि की मैं बात कर रही हूं और मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। शनि की दो राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, दो राशियों के वो स्वामी होते हैं। और राहु जो है वो पहले से ही 12वीं राशि मीन राशि में विराजमान है, यानी आपके तीसरे घर में विराजमान है राहु। लेकिन अब इस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु का प्रवेश हो चुका है। अब इस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चार चरण होते हैं जिनमें एक एक करके इनका प्रवेश होगा। 16 अगस्त को उत्तर भाद्रपद के तीसरे नक्षत्र में राहु जाने वाले हैं और ये जो नक्षत्र है ये 27 नक्षत्रों में से 26वां नक्षत्र है और शनि का नक्षत्र है। तो शनि और राहु क्या है? मित्र ग्रह हैं। राहु शनि के ही छाया ग्रह हैं और शनि के नक्षत्र में राहु का जाना कहीं ना कहीं बहुत अधिक बेनिफिट देने वाला है मकर राशि के लोगों के लिए, क्योंकि राहु और शनि दोनों में आप ये मान लीजिए कि दोनों मित्र ग्रह तो है ही, लेकिन एक ही समान है, इनके गुण एक ही समान है। लेकिन राहु एक चीज है, एक समान कुछ चीजों में है। जिस तरह शनि अनुशासन में रहना सिखाता है, वैसे राहु हर चीज, हर बाउंडेशन को तोड़ना सिखाता है। राहु बाउंडेशन के परे जाकर काम करना सिखाता है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट को क्रॉस करके काम करना सिखाता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको माया भी कहा गया है, किसी और प्लैनेट को माया भी नहीं कहा गया। रहस्यमय जो ग्रह है वो क्रांतिकारी जो ग्रह है वो राहु है। अब ये जो युग चल रहा है ये भी राहु का है। अभी क्या युग चल रहा है? अभी युग चल रहा है हमारा पूरा का पूरा डिजिटल युग चल रहा है। किस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, किस माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से भरपूर है, तो राहु का युग चल रहा है। ऐसे में राहु का शनि के नक्षत्र में जाना और साथ में 16 मार्च 2025 तक इसी नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहना बहुत बड़े बड़े बदलावों का कारण मकर राशि के लोगों के लिए बनेगा। देखिए, मकर राशि के थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं और आपके सेकंड और लग्न के स्वामी हैं, तो यहाँ एक तो हार्ड वर्क करने की जो आपकी एक आपके अंदर एक जज्बा है वो बढ़ा रहेगा। हार्ड वर्किंग आप रहेंगे, आप हर चीजों को पाना चाहेंगे, आपके अंदर हर चीज को पाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि राहु एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। राहु एक ऐसी चीज है जो तृप्त नहीं होता, और चाहिए और चाहिए, ये राहु का काम है, क्योंकि तृप्ति उसके अंदर नहीं है, फाउंडेशन भी उसके अंदर नहीं है। ये जो लोग इन्वेंट करने वाले होते हैं ना, इनमें राहु का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जो लिमिट में रहकर करेगा वो इन्वेंट क्या करेगा, लेकिन जो आविष्कार होते हैं वो लिमिट से परे जाकर करते हैं, तो वो लिमिटलेस हो गया। यानी कि जो अपनी लिमिट क्रॉस करके काम करे उस पर राहु का सबसे बड़ा प्रभाव है। अब नक्षत्र में जाने से क्या होगा? सबसे पहली चीज, शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं जो, उनको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि उनके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा बनने वाले हैं। जो इस राशि के बिजनेस करने वाले जातक हैं मकर राशि के, उनके लिए बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, बिजनेस अच्छा रहेगा। राहु अपने ही घर में एक बार गए हैं, मित्र के घर में, आप कह लीजिए शनि के नक्षत्र तो है ही। तो यहाँ थर्ड हाउस क्या होता है? इच्छाओं को भी दिखाता है। थर्ड हाउस क्या होता है? अपने हार्डवर्क को भी दिखाता है। हार्डवर्क तो आप हैं और राहु ने उसको और ज्यादा शनि के नक्षत्र में आने से बना दिया। अनुशासन को भी ध्यान में रखना है कि लिमिट तो तोड़नी है, लेकिन ऐसी नहीं कि जहां आपको किसी दूसरी ही राह पर ले जाए, ऐसी लिमिट को नहीं आपको देखना है। थोड़ा सा अपने आप को एक सीक्वेंस में रखना है, कब क्या काम करना है इस चीज पर आपको फोकस करना है। जॉब करने वाले हैं, जो जॉब करने वाले लोगों के लिए भी काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। ये समय मैं कहूंगी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। राहु की तीन दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि आपके यहाँ पार्टनरशिप के भाव पर है, जो कि आपका विवाह का भाव भी है। विवाह के लिए मैं कहूंगी बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं द्वंद पैदा करेगा। लेकिन बिजनेस के लिए मैं कहूंगी बिजनेस के लिए ठीक है, बिजनेस में आपको आसमान भी छुआ सकता है, ऐसे प्रॉफिट आपको ये गेन करा सकता है। कोई एक ऐसी इच्छा आपकी इस समय में पूरी हो सकती है जो आपको एकदम फर्श से अर्श पर लेकर जाए, ऐसी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है।
माइंड बहुत अच्छे से काम करने वाला होगा, अच्छे से सोच विचारने वाला होगा। भाई बहन है उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अपने बहन भाइयों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। इस समय अपनी कामकाज के जरिए आपको काफी ज्यादा ट्रेवल भी करने पड़ सकते हैं, छोटी दूरी की यात्रा ही रहेंगी ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ट्रेवल जरूर करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सप्तम दृष्टि कहाँ गई, थर्ड हाउस से नवम भाव में आपकी थर्ड या जो सातवीं दृष्टि है वो जाती है। नवम भाव आपको धर्म से भी जोड़ेगा। देखिए राहु का इस नक्षत्र में जाना, उत्तर भाग नक्षत्र में जाना आपको धर्म के प्रति भी, आपको धार्मिक भी बनाता है, धर्म से भी जोड़ता है, आध्यात्मिक तौर पर आपको सक्रिय करता है। पूजा पाठ में मन लगेगा, आपको धर्म की बुक्स पढ़ने का भी मन होगा, कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, कहीं दर्शन करने आप जा सकते हैं, तो इस तरह की चीजें भी होंगी। फिर इनकी दृष्टि जाती है नवम जो की जाएगी इलेवंथ पर। इलेवंथ क्या है, लाभ। लाभ क्या है, आपके काम का फल, धन का फल। धन किस चीज से आएगा ये नहीं, लेकिन आपने जो वर्क किया है नौकरी से, बिजनेस से, शेयर मार्केट से, उन चीजों से धन आया वो लाभ हो गया और लाभ आपको मिलेगा, इच्छाएं आपकी जरूर पूरी होंगी। ये बहुत भाग्यशाली समय है आपके लिए। शनि के नक्षत्र में यहाँ आपके राशि के स्वामी के नक्षत्र में राहु का जाना, हार्डवर्क करने का समय है, अपने कामों से पीछे ना हटे, अपने कामों की जितनी ज्यादा सक्रियता आप बनाए रखेंगे, अलर्ट अपने आप को रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही ऐसी चीजों से दूर रहें, कानूनी विवादों से दूर रहें, जहां ऐसे पेच फंस रहे हो उनसे दूरी बनाकर रखें। प्रेम विवाह के मामले में मैं कहूंगी प्रेम विवाह आपका अच्छे इस समय में रहने वाला है। इस जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं इस वर्ष के अंत तक उनके लिए चांसेस भी बनने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल करियर के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। कुछ चीजों को मैंने कहा हमें ध्यान रखना है, हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, हेल्थ इश्यू भी थोड़े से हो सकते हैं, यहाँ पैरों संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और पेट संबंधी भी, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी चीजें बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे, बस थोड़े से प्रयत्न करने की जरूरत है और प्रयत्न करके आप उनसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें और साथ साथ में भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिव जी की आराधना करें और भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें, इससे राहु के नेगेटिव इफेक्ट कम होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय माता दी।